सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग आ चुके एक और नई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के साथ। गाइस, इस वाली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में कुछ मैं आप लोगों को ट्रिक्स और टिप्स जो मैं रेगुलरली बताता हूँ वो भी बताता हूँ, जो कि आप कर सकते हो सरप्राइज अटैक, जो कि फन ट्रिक्स होती हैं। और गाइस, इसमें मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोगों का गेम प्ले थोड़ा इंप्रूव होगा, आप लोगों को हेल्प होगी अपना गेम प्ले इंप्रूव करने में। और गाइस, बस ये वीडियो मैं जल्दी जल्दी अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। और आप लोगों को पता है मैं 6 बजे वीडियो डाल देता था, बट मेरा स्लीपिंग शेड्यूल कुछ ऐसा हो गया कि मैं लेट से उठ रहा हूँ तो वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो जाती है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। तो चलो गाइस, सीधा जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, पहली जो ट्रिक है ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाली बाइक से, ये सिर्फ उसी के पास होगी जो कि ये यामाहा की बाइक है जिसकी स्किन में निकली है। अगर आपकी टाइम लिमिटेड निकली है या फिर आप लोगों की निकली है परमानेंट, मेरी तो परमानेंट निकली है, तो गाइस ये बाइक ना आप एकदम सडनली रोक सकते हो। ये ट्रिक मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड कर ली थी 27 जून को ही, बट मैं डालना भूल गया था गाइस क्योंकि मैं ऑब्वियसली दूसरी चीजों पर काम कर रहा था। तो गाइस, ये वाली जो ट्रिक है ना आप लोगों को बस क्या करना है, एफपीपी में करना है। गाइस, अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं, आपस वेट करो। एफपीपी किया, टीपीपी किया, और गाइस आप लोग देख सकते हो सडनली ये बाइक एकदम इंस्टेंटली रुक गई। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी कमाल की ट्रिक है और कितनी कमाल की ये बाइक है। और गाइस, ये वाली ट्रिक मेरे को बताई थी TFX बिरयानी ने, जो कि मेरा दोस्त है, वो मीम्स भी भेजता रहता है। तो गाइस, ये वाली जो ट्रिक है ना आप लोगों को बस जिस दिन ये बाइक अगर इसके पास है, सॉरी, आपको बस फुल स्पीड में, नो मैटर आपकी स्पीड कितनी, आपकी 150 किलोमीटर जा रही है या फिर आपकी 140 किलोमीटर जा रही है, आपको बस एफपीपी करना है, टीपीपी करना है, और सडनली बाइक रुक जाएगी। जो पीछे बैठा रहेगा ना बंदा, उसको लगेगा लैग हो गया। अभी आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, एफपीपी किया, टीपीपी किया, और सडनली बाइक रुक गई। गाइस, कई लोगों को लगा कि मैंने एक बंदे को बैठा के ये ट्रिक की थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा गेम लैग कर गया। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रिक कितने काम आएगी। अगर आपके पास ये बाइक है ना, आप रश करने जा रहे हो, पीछे बंदे बंदे पड़े हैं, सडनली ऐसे रुक दोगे ना, वो आपके आगे निकल जाएंगे, सोचेंगे भाई ये क्या हो गया। गाइस, काफी कमाल की है, बट अभी तो ये सिर्फ इसी बाइक में काम करती है। तो अगर आपके पास ये बाइक की स्किन है तो मेक श्योर ये वाली ट्रिक आप जरूर ट्राई करो। तो गाइस, अब बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ, जो कि मैंने बताया था इंप्रूविंग ट्रिक। अब मैं आपको एक गेम प्ले दिखा रहा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग कैसे अपना रश गेम प्ले इंप्रूव कर सकते हो। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने शॉट्स लिए, इन बंदों को मैं शॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाया, बट मैंने अपनी पोजीशन रिवील नहीं की। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ से क्या सीखते हो कि थोड़ा पेशेंस, मतलब आप पेशेंट बोल दिया मैंने भाई, आपको गाइस पेशेंटली वेट करना है, यहाँ पे आपको ओवर कमिट नहीं करना। देखो यहाँ पर भी मैंने शॉट्स लिए, मैं नहीं मार पाया। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ओपन में भाग के चला गया कि मेरे पास स्कारल है 4x, मैं टेक डाउन कर लूंगा, हर बंदा अच्छा खेलता है सामने वाला। तो गाइस, आपको पेशेंटली वेट करना है, मेक श्योर आपको अपने बैकअप का भी वेट करना। अगर आप अकेले बचो देन बात अलग है, बट अगर आपका टीममेट है ना, ओवर कमिट नहीं करना। आप यहाँ से क्या सीखते हो कि जब आपके सामने कोई भी रश हो रहा है ना, सीधा ओपन से भाग के कोई लोग चले जाते हैं, आप खुद सोचो जब आपके ओपन से सामने के भाग के साथ उसको कितना इजीली टेक डाउन कर लेते हो, तो सामने वाला बंदा भी यही कर सकता है ना अगर आप ओपन से भाग रहे हो। तो गाइस, यहाँ पे मैंने वेट किया, मेरे टीममेट ने बोला कि एक बंदा उसके सामने है, तो मैंने सोचा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अब मैं जा सकता हूँ। अब हम लोग बता था कि सिर्फ यहाँ पे दो बंदे हैं, बट नॉट श्योर कि सिर्फ दो ही बंदे हैं। मैंने यहाँ पे नेट वेट कुक किया। तो आप लोग गाइस, सबसे पहले अंधा रश जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो नहीं करना। अंधा रश कभी कभी काम करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को वो लेके डूबता है, फिर आप बोलते हो यार ऐसे रश नहीं करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो गाइस, अंधा रश नहीं करना है, बैकअप बहुत जरूरी है, बट जब आपने रश कर दिया तो बैकअप करना ही नहीं है, समझ रहे हो आप मेरे मतलब। रश किया, घुसो, अगर रश कर दिया तो रश कर दिया भाई, पीछे नहीं आना। मैंने अपने टीममेट को बोला कवर में आ जाए क्योंकि मैं हील कर रहा था। मैंने बोला कि हील जब तक मैं कर लेता हूँ तब तक कवर में, क्योंकि मैं ड्यूरिंग मतलब हील करते करते नहीं मार पाऊंगा। अब था रश का टाइम। अब गाइस, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको दिखा दूं पूरा गेम प्ले। तो यहाँ पे गाइस, मैंने पहला बंदा टेक डाउन किया, इंस्टेंट फिनिश किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये टीममेट्स को कॉल दे कि यहाँ पे दो ही बंदे हैं। तो गाइस, यहाँ पर भी मैंने इन दोनों को टेक डाउन कर लिया। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, बैकअप का जरूर वेट करो। अगर यहाँ पे मैं अकेला आता ना, डेफिनेटली मैं मर जाता, क्योंकि आप लोगों ने देखा ऊपर भी एक बंदा था, और ऊपर वाला बंदा मुझे क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि उसके नीचे दो टारगेट थे, उसको ऊपर से हम लोग दो बंदे दिख रहे थे। तो अगर दोनों को उसको लग रहा होगा पहले किसको मारूं, पहले किसको नहीं मारूं, या फिर दोनों पे स्प्रे ट्रांसफर कर रहा होगा, वो कंफ्यूज हुआ। तो गाइस, ये चीज का हम लोगों ने फायदा उठाया, वो ऊपर वाला बंदा मुझे दिख गया और टेक डाउन कर लिया। तो गाइस, अगर आप रश अपना इंप्रूव करना चाहते हो ना, टीममेट पर भरोसा करना सीखो और टीममेट के साथ मिलकर काम करो। अगर सोलो गेम होता तो आप सोलो खेल लेते, बट आप स्क्वाड खेल रहे हो तो आपको मेक श्योर अपने टीममेट पर भरोसा करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं वीडियो गाइस फ्यूचर में पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। गाइस, अब बढ़ते हैं यहाँ पे एक लिविक मैप की ट्रिक है, जिसमें आप लोग हॉट स्प्रिंग में प्रोन हो सकते हो। गाइस, काफी कमाल की ट्रिक है, काफी मस्त ट्रिक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हॉट स्प्रिंग आपके सामने आती है, आपको बस यहाँ पे आना है, दो तीन बार प्रोन दबाना है गाइस, और आप देख सकते हो बूम, आप इजीली यहाँ पे प्रोन हो जाओगे। तो गाइस, जब आप प्रोन हो जाओगे ना, मेक श्योर आप अपना बैग फेंक देना, क्योंकि मेरा हेडगियर यहाँ पे दिख रहा है, मैं हेडगियर भी फेंक रहा हूँ, और मेरे पास लेवल 3 का बैग है तो वो भी फेंक रहा हूँ। तो ये दोनों आप फेंक देना गाइस, सामने वाला बंदा ना आपको बिल्कुल नहीं देख पाएगा। आप अपने दोस्त के साथ ही ट्राई कर लेना, वो बोलेगा कहाँ है भाई तू, दिखेगा ही नहीं। तो गाइस, ये वाली आप कोई भी हॉट स्प्रिंग में ट्राई कर सकते हो, मैंने ये वाली हॉट स्प्रिंग में ट्राई की, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप किसी में भी जाकर प्रोन हो सकते हो। और गाइस, अगर यहाँ पे लास्ट जोन बन गया
और आपने ये कर दिया तो भाई बिल्कुल बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। कहा है वो नेट भी फेंक रहा होगा ना भाई, कहा है बंदा, कहीं नहीं दिखेगा। भले नेट यहाँ पे आ गया तो आपकी किस्मत खराब है। गाइस ये वाली ट्रिक आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो मस्त, अगर आप अकेले बचो ना, घुस जाओ कैंप मार दो भाई, अगर यहाँ पे जोन बन रहा है। वरना मैं आपको लिविंग मैप में कभी कैंप करना सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत छोटा मैप है। अगर जोन यहाँ पे एंड हो रहा है, अकेले बचे हो, पुश वुश कर रहे हो, तो डेफिनेटली यार जान बच जाएगी, वही बहुत है आप लोगों के लिए। देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरे सामने बंदा है, तो ऐसे अगर आपके सामने कोई बंदा आ रहा होगा ना, बिल्कुल भाई एकदम फ्रीली आप यहाँ पे प्रोन हो जाओ, बिल्कुल नहीं देख पाएगा वो, क्योंकि आप खुद बताओ गाइस पानी में प्रोन कौन एक्सपेक्ट करता है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पानी में प्रोन कर सकते हो। इस वीडियो के बाद भले कुछ लोग कर लें, बट गाइस ये वाली भी आप मस्त फन ट्रिक है, ये ऐसे तो ज्यादा यूजफुल नहीं है बट फन ट्रिक आप यूज कर सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ जिससे आप अपना ना स्प्रे थोड़ा अच्छा कर सकते हो, मतलब आप स्प्रे अच्छा नहीं, आप जो छोटी सी गलती करते हो ना कि आप लोग बोलते हो मैंने भी स्प्रे किया था, इसने भी स्प्रे किया, मैं मिस कैसे कर दिया, तो गाइस वो क्या होता है ना, जॉयस्टिक का सारा कमाल है। आप लोगों ने बहुत कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स को देखा होगा कि जब वो स्प्रे मारते हैं ना तो वो कभी कभी रुक के मारते हैं। गाइस जैसे रुक के तो बहुत लोग कम मारते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप मूविंग स्प्रे मार रहे हो तभी मारो जब आपके पास कवर नहीं है, बट अगर आपके पास कवर है ना तो आप किस तरीके का स्प्रे मारो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बस जस्ट कवर है, अगर कवर नहीं है तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपके पास कवर है तभी ये चीज यूज करना। गाइस यहाँ पे समझ लो फॉर एग्जांपल एनिमी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रोन हो जाता हूँ, मतलब मेरे पास कवर है, अगर उसने मुझे शूट किया मैं प्रोन हो गया, मेरे पास रिच का कवर है। तो गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मारते मारते देख सकते हो मेरी जॉयस्टिक मूव कर रहा हूँ मैं, तो जॉयस्टिक मैं मूव कर रहा हूँ ना, मेरा स्प्रे भी थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है। जायरो प्लेयर्स को पता होगा क्या सीन होता है ये। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो स्प्रे आप अच्छा कनेक्ट करोगे बट थोड़ी थोड़ी ना आपको मुश्किल होगी, और अगर आप यही चीज गाइस विदाउट जॉयस्टिक मूव के करोगे ना, बट कवर होना चाहिए क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो, अगर उस बंदे ने पकड़ लिया तो कवर चाहिए आपको। गाइस अगर आप विदाउट जॉयस्टिक मूविंग करोगे तो आप लोग देख सकते हो स्प्रे अच्छा तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे। ये काफी लोग गाइस थोड़ी गलती करते हैं, बट ये सिर्फ विदाउट कवर के, मैं बार बार कवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास कवर नहीं है ना, तो अगर आपने ये चीज की तो आप एकदम स्टेबल, मतलब खड़े हुए टारगेट बन जाओगे, इजीली आप लोग को वो कोई मार देगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कवर का एग्जांपल बताया, मैं आपको ना आगे जाके एक अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, अगर आप जॉयस्टिक मूव कर रहे हो और भाई मूव करते करते ना आप लोग खुद नोटिस करोगे कि लिटिल बिट आपका स्प्रे ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा जॉयस्टिक मूव करते करते। अगर आपके पास कवर नहीं तो आपको डेफिनेटली जॉयस्टिक मूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने सामने से शॉट लिया गन पीछे रख के भागना भी तो पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे एक मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ, मैं मूव करते करते शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा हूँ स्प्रे में, तो जैसे ही मैं मूव करते करते कर रहा हूँ तो भाई डेफिनेटली हो रहा। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कवर है ना तो आप मूव मत करो, बैठो स्प्रे मारो, कैसे जाएगा मैं भी आपको बताता हूँ। तो गाइस जॉयस्टिक बिना मूव किए कितना अच्छा स्प्रे जाता है आप खुद देखोगे। तो यहाँ पे अभी मैंने मूव नहीं किया, आप लोग देख सकते हो गाइस मैं काफी सारे शॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जिसका स्प्रे अच्छा है, कई लोगों का मेरे से बहुत ज्यादा स्प्रे अच्छा होगा तो आप लोगों को पता चलेगा। तो गाइस आप देख सकते हो विदाउट जॉयस्टिक मूव किए हुए मैं कितनी अच्छी तरीके से कवर कर पा रहा हूँ, देखो आप। तो गाइस आप देख रहे हो कितनी आसानी से मैं कितनी ज्यादा, मतलब जो होते ना सर्कल के बीच में हिट कर पा रहा हूँ, बट अगर ये मैं मूव करते करते करूंगा तो मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। आप लोग एक और चीज कर सकते हो, मूव करते करते जब आपको लगता है कि मेरा एनिमी मतलब वो स्टक हो गया, आप भी रुक जाओ मारो। गाइस ये चीज मैंने सीखी है जॉनथन से, आप लोगों को पता होगा, आप लोग कभी भी नोटिस करना जब वो मूव करते करते मारता तो बहुत अच्छा मारता है, जब वो रुक के मारता है ना भाई समझ लो कि मॉन्स्टर मार दिया उसने, मतलब जो अभी देखा ना डीपी कितनी तगड़ी मारी थी कुछ लोगों ने पता हो तो। भाई जब आप मूव करते करते मारते हो तो सही है, और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ रिच फाइट लेते हो ना कभी कभी तो आपको मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आप वहाँ पे स्टेबल नहीं मार सकते, स्टेबल करोगे हेडशॉट पड़ जाए। इवन जो स्टेबल बंदों को सबसे ज्यादा वो होती है ना क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज, वो है स्नाइपर शॉट का। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जॉयस्टिक मूवमेंट कितनी ज्यादा वो करती है, मतलब इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डीपी की छोटी सी टिप, अगर आप लोग डीपी यूज करते हैं, मैंने रिसेंटली डीपी यूज करना स्टार्ट किया है क्योंकि काफी अच्छी गन है। तो गाइस मैं पहले M4 यूज करता था, तो गाइस अभी आप यहाँ पे डीपी का मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या सीन होता है। अगर आपके पास डीपी आपने स्प्रे मारा तो आप जो देख सकते हो गोलियां जहाँ जा रही है कंटेनर से स्प्रेड हो रही है, तो मतलब दूर अगर बंदा है ना, मैं यहाँ पे डीपी का स्प्रे मारा तो जो गोलियां वो स्प्रेड हो रही है और इधर उधर जा रही है। तो गाइस इसको बोलते हैं यहाँ पे बस, तो डीपी भी बस में चलती है, आप लोगों को पता होगा स्नैक्स की डीपी भाई भगवान जैसी मारता है वो एकदम, आप लोगों ने देखा होगा। तो गाइस जब आप डीपी बस मारते हो ना तो 4-5 गोली एकदम सीधी जाती है, बट एक चीज है यहाँ पे गाइस, अगर इतनी दूर बंदा है ना तो आप लोग जो सामने जो ऐसे एरो होता है ना उस पर टारगेट करके मारोगे ना बंदा मिस कर जाएगा। आप लोगों का इस एरो और फोर जो लिखा है ना यहाँ पे स्कोप के अंदर देख सकते हो उसके अंदर मारना है। यहाँ तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ कि आप जब स्प्रे मारते हो ना डीपी से, डीपी स्प्रे के लिए नहीं बनी है इतनी लॉन्ग रेंज, भले शॉर्ट रेंज में मार सकते हो, मिड रेंज भी मार सकते हो, बट इतनी लॉन्ग रेंज आप डीपी नहीं मार सकते, स्प्रे बस मार सकते हो, और बस ऐसा मार सकते हो कि गार्ड देख उसके मतलब
सर मेरा गोलियां गार्ड हो गया। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप देख सकते हो बर्स्ट मार रहा हूँ, मेरी चार पांच गोलियां सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, अगर मैं स्प्रे मारता हूँ तो वो स्प्रेड हो जाती है, आप समझ गए। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा, अगर बंदा कुछ ज्यादा ही लॉन्ग रेंज है ना तो आप उसको कैसे टेक डाउन कर रहा है, सिर्फ हल्का सा दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको बहुत रेयर केस बताऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल इस डब्बे के पीछे बंदा है, तो गाइस यहाँ पे अगर मैं जो एरो है ना ऊपर आप देख सकते हो उस एरो पे मार रहा हूँ शॉट, तो कंटेनर पे लग रहा है भले वो एरो मेरा डब्बे पे है, बट जब मैं मार रहा हूँ एरो और फोर के बीच में हल्का सा जो गैप है ना उस पे, तो वहाँ पे डब्बे के ऊपर लग रहा है। ये आप शायद वीडियो में ना देख पा रहे हो क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है, खुद आप सामने से देखोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर बंदा 350 मीटर प्लस है ना, जो ऊपर एरो है डीपी के स्कोप पे, वहां से शॉट करेक्ट करने की कोशिश करो, उस एरो और नंबर फोर के बीच में लेके आओ, तब मारो गाइस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये चीज मैं खुद ट्राई करता हूँ और अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैंने पूरी मास्टर नहीं किया है वाली डीपी। तो गाइस आई होप कि आप ये डीपी की जो छोटी सी बस की टिप है ना वो सीख चुके हो, प्रैक्टिस मैटर करती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे एक गन को लेके उतनी अच्छी तरीके से आप खेल पाओगे। अभी मैं पहले M4 यूज करता था, बट गाइस आप खुद सोचो इतनी दूर जहां मैंने अभी वो डब्बे के बीच बताया ना, M4 अगर 4x आपके पास, बहुत रेयरली ही आप नॉक कर पाओगे स्प्रे से, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आप नॉक नहीं कर पाओगे, टैप टैप ही मारोगे छोटे से उसमें। अगर आपके पास डीपी है तो भाई ड्रिल मार दोगे ना, क्योंकि डीपी क्या होता है, दबा के रखा उसकी गाइस एक टाइमिंग होती है, दबा के रखा छोड़ दिया तो चार पांच गोलियां निकल जाती है, बस निकल जाती है सीधा वहीं पे, जैसे मैंने बोला गाड़ देती है। और M4 का क्या है कि वो धड़ाधड़ स्प्रे मारता है, तो यही डिफरेंस है डीपी और M4 में। अगर आपको गाइस फुल एक एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए M4 वर्सेस डीपी या फिर सारी गनों को मिला के, और ऑब्वियसली गाइस मेरे कॉम्पिटेटिव प्लेयर सारे के सारे दोस्तों, तो मैं उनसे भी टिप लेके इवन उनको वीडियो में फीचर करके एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइस ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो मेक श्योर इस वाली वीडियो पे 50,000 लाइक कर देना, अगर 50,000 लाइक हो जाते हैं तो मैं एक बहुत ही मस्त गन कॉम्बिनेशन की वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। और अगर ये टिप आप कुछ हेल्पफुल होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना। तब तक के लिए सी या, टेक केयर।